दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट से जुड़ी खबर आपके लिए लेके आई है। और जैसे ही यह खबर मार्केट में आई तो स्टॉक में अच्छा खासा हमें अपसाइड भी देखने को मिला है। इस स्टॉक में जो रिजल्ट आने वाले हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आज देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आपको लेके आ जाता हूँ एनजेवन एप्लीकेशन पे। तो मैं यहाँ पे वॉचलिस्ट पे क्लिक करता हूँ। वॉचलिस्ट पे मैंने उस स्टॉक को लगा के रखा है। इस स्टॉक का नाम है बजाज होल्डिंग। यह कंपनी आपको देखने को मिलेंगी कि यह बजाज ग्रुप की कंपनी है और बजाज ग्रुप के स्टॉक में काफ़ी अच्छा अपसाइड हमें पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है। इस स्टॉक में 27 अप्रैल के दिन डिविडेंड और क्वार्टरली रिजल्ट का अनाउंसमेंट होने वाला है। यहाँ पे अगर इस कंपनी में नंबर अच्छे आते हैं और सातवें में ही इसमें अच्छा खासा डिविडेंड आता है तो इस स्टॉक में हमें तगड़ी रैली देखने को मिल सकती है। जैसे कि स्टॉक में इस प्रकार का न्यूज़ आया है तो उसके चलते स्टॉक अभी अपसाइड में मोमेंटम करता हुआ नज़र आ रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखते हैं इसमें तो BSE में इसमें 1% से ज़्यादा की अपसाइड हमें इस स्टॉक में देखने को मिली है। अब हम स्टॉक के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर चार्ट पे देख लेते हैं कि चार्ट में स्टॉक किस प्रकार से मूवमेंट करते हुए दिखाई दे रहा है। तो देखने को मिलेगा कि इस स्टॉक ने एक ऊपरी लेवल से एक यहाँ से एक नेगेटिव ट्रेंड बनाया था। अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रा करता हूँ टूल ऑप्शन का यूज़ करके, तो इसका जो टॉप है इस टॉप से मैं एक ट्रेंड लाइन को ड्रा करता हूँ और इसका टॉप को मिलाते हुए जो पिछले कैंडल का हाई है इस हाई को मिलाते हुए यहाँ से ट्रेंड लाइन को मैं छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि अगर यह स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के अपसाइड का अगर ब्रेकआउट दे देता है तो स्टॉक में हमें वापस अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। मतलब कि यहाँ जो स्टॉक का अपसाइड देखने को मिलता है ये 6030 प्लस अगर ये स्टॉक होल्ड करता है तो वापस हमें स्टॉक में अपसाइड के मूवमेंट यहाँ पे 6200 के हमें अपसाइड के मूवमेंट यहाँ देखने को मिल सकते हैं। साथ ही सपोर्ट की बात करें तो बोलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड है, इस लोअर बैंड का जो अभी 5,890 टू 5,780 पे बना हुआ है, इस पे हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। साथ ही MACD के ऊपर भी हमें नज़र रखना चाहिए। MACD में अगर हमें यहाँ पे कोई हलचल देखने को मिलती है पॉजिटिव क्रॉस ओवर होते हुए तो ये स्टॉक में हमें अच्छे खासे तगड़े रिजल्ट ऊपर की ओर देखने को मिल सकते हैं। इस कंपनी में अगर आप बाइंग की पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऊपर बाय ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस बाय ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ इस बाय ऑप्शन पर, यहाँ पर 1 क्वांटिटी मेंशन करूँगा और जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो मार्जिन लग रहा है ये 5,934 लग रहा है एक शेयर खरीदने के लिए, लेकिन मेरा अकाउंट एंजल वन में होने के कारण मैं इसमें 3x का मार्जिन लेके यहाँ पे मैं अपने मार्जिन को और ज़्यादा कम कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ तो अब आपको देखने को मिलेगा कि मुझे यह स्टॉक ओनली 1,821 में ही डिलीवरी में बाय हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस फैसिलिटी का यूज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आज अपना डिमेट अकाउंट एंजल वन में ओपन कीजिए। अगर आप हमारे लिंक के माध्यम से अपना डिमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका डिमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन होगा। साथ ही आपको 1 ईयर का MC चार्जेस बिल्कुल फ्री रहने वाला है। तो देर ना करें, आज अपना डिमेट अकाउंट एंजल वन के साथ ओपन करो, स्टैंडर्ड टूल का लाभ लें। अब मैं यहाँ पे बाय ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ और मैं अपना ऑर्डर को यहाँ पे कंफर्म प्लेस करता हूँ। अभी मार्केट ऑफ होने के कारण हमें यह सुविधा भी मिलती है कि हम अपना ऑर्डर जो है आफ्टर मार्केट लगा सकते हैं। यस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऑर्डर हमारा यहाँ पे सबमिट कर देंगे। अब आपको देखने को मिलेगा कि मेरा ऑर्डर जो है यहाँ पे पेंडिंग में आ चुका है। जैसे ही अगले दिन मार्केट ओपन होगा और ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो मुझे ये अपनी पोजीशन में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, देखा आपने कि कितना ईजी कितना आसान है एंजेवन एप्लीकेशन में स्टॉक का एनालिसिस करना और यहाँ पर ऑर्डर को पुट करना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।